छात्रों, कल हमने पाठ नंबर 2 पढ़ा था, जिसका नाम था दुर्बुद्धि विनश्यति, कि बुरी बुद्धि वाले का विनाश होता है। तो आज हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ में जो आपका पहला शब्द है वह है सर। सर का मीनिंग होता है, सर का क्या अर्थ होता है? तालाब। क्या होता है? तालाब, सरोवर। तो सर का तालाब। फिर है कुरमें, कुरमें या कच्छप, कुरमें या कच्छप। तो कुरमें या कच्छप क्या होता है? कछुआ। क्या होता है? कछुआ। कुरमें या कच्छप, कछुआ। कि कुरमें भी कछुए को बोलते हैं और कच्छप भी कछुए को बोलते हैं। अब हमारा तीसरा शब्दार्थ है वह है प्रतिवस्ती सम। प्रतिवस्ती सम का मीनिंग होता है प्रतिवस्ती रहता था। क्या है? रहता था। फिर है धीवरा। धीवरा मछुआरे, जो मछली पकड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मछुआरे। तो धीवरा क्या होता है? मछुआरा, मछुआरे। फिर है मत्स्य कुर्मादीन। मत्स्य कुर्मादीन, तो इसका क्या होता है? मत्स्य मतलब मछली, कुर्मा मतलब कछुआ, और दीन मतलब आदि। तो मछली, कछुआ आदि। क्या होता है? मछली, कछुआ आदि को। मछली, कछुआ आदि को। तो सर क्या होता है? सर है तालाब। कुरुम, कच्छप, कछुआ। प्रतिवस्ती सम, धीवरा, मछुआरे। मत्स्य कुर्मादीन, मछली, कछुआ आदि। अगला शब्दार्थ है हमारा मारयिष्यामः। मारयिष्यामः का मतलब होता है मारेंगे। मारयिष्यामः, मारेंगे। फिर है मेवम। मेवम अगर हम इसका संधि विच्छेद देखते हैं तो क्या होगा? मा जमा एवम, तो इसका मीनिंग होता है मा जमा एवम का ऐसा नहीं, कि मेवम ऐसा नहीं। फिर है हृदयम। हृदयम का मतलब क्या होता है? तालाब को। हृदयम, तालाब को। फिर है धार्यताम। धार्यताम मतलब धारण करें। धार्यताम, धारण करें। पक्ष बलेन। पक्ष मतलब होता है पंखों, और बलेन मतलब बल से, पंखों के बल से, पंखों के बल से। बल को ताकत भी लिख सकते हैं, पंखों की ताकत से। फिर है अपाय है। अपाय है का मीनिंग होता है हानि। क्या होता है? हानि। फिर है नियमानम। नियमानम ले जाते हुए। नियमानम ले जाते हुए। फिर है अवलोक्य। अवलोक्य क्या होता है? अवलोक्य का मीनिंग होता है देख कर। क्या होता है अवलोक्य का मीनिंग? देख कर। फिर है लंबमानम। लंबमानम, लंबमानम है लटकते हुए। लंबमानम, लटकते हुए। फिर है उड़ियते। उड़ियते का मीनिंग क्या होता है? उड़ रहा है। उड़ियते, उड़ रहा है। फिर है विस्मृत्य। विस्मृत्य मतलब होता है भूल कर। विस्मृत्य, भूल कर। भसम, भसम का मीनिंग क्या होता है? राख। भसम, राख। सुहृदाम, मित्रों का के की। सुहृदया मतलब मित्रों, मित्रों का के की। हित कामा नाम। हित कामा नाम का मीनिंग क्या होता है? कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की। कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो का के की। अगर कल्याण मतलब दूसरे की भलाई की इच्छा रखने वाले। अभिनंदिती। अभिनंदिती क्या होती है? प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। अभिनंदिती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है।
फिर है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का मीनिंग क्या होता है? दुष्ट बुद्धि वाला। क्या होता है? दुष्ट बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। तो आपके ये हो गए हैं पूरे शब्दार्थ।